वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 के इंग्लिश का चैप्टर रंगाज मैरिज। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फोटो मैंने यहाँ लगाई है ऑथर की, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको वो लर्न हो जाए। ऐसे अगर आपको क्लास 11 की इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है, इको ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, जितना भी आपको 11 की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज गिव एन कैन गो वॉच इट। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, समरी, वन मार्कर, 110 क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रंगाज मैरिज। तो देखो, जैसे ही ऑथर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कहते हैं दैट मैंने चैप्टर को कोई फैंसी सा टाइटल नहीं दिया। बहुत सिंपल सा है ना, रंगाज मैरिज, आपको भी समझ में आ गया है। दैट रंगा नाम की एक लड़की की शादी के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में। तो वो कहते हैं मैंने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया, मैं चाहता तो फैंसी टाइटल दे देता जैसे जगन्नाथ विजया, या फिर मैं टाइटल दे देता रंगन्नाथ विवाह। तो ये वन मार्कर के लिए आपको याद रखना है दैट कौन से दो फैंसी टाइटल पोएट कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि मैं दे सकता था चैप्टर को जगन्नाथ विजया और रंगन्नाथ विवाह, कहते हैं बट मैंने नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट ऑथर ने क्यों कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने उसका आंसर भी कर दिया क्यों, बिकॉज वो कहते हैं कि ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये लॉर्ड जगन्नाथ की नहीं है, ना ही ये किसी की विक्ट्री की स्टोरी है, ये तो हमारे कॉमन बॉय, मेरे विलेज का जो एक लड़का है रंगा, उसकी कहानी है, तो इसलिए मैंने सिंपल सा टाइटल दिया। तो उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है रंगा, उसकी शादी की कहानी है, तो कह रहे हैं इसलिए सिंपल टाइटल दिया है, किसी इतने बहुत बड़े लॉर्ड की जगन्नाथा, लॉर्ड जगन्नाथा की होता तो मैं अच्छा टाइटल देता, फैंसी टाइटल देता, बट ये तो सिंपल सी स्टोरी है मेरे गाँव के एक लड़के की, तो इसलिए मैंने सिंपल सा टाइटल दिया। He is son of our accountant, native of our village, Hoshali. क्या बताते हैं वो कि वो जो रंगा है ना, हमारे विलेज का जो अकाउंटेंट है उसका बेटा है, और हमारा विलेज क्या है, होशाली। अब जो हमारे ऑथर है उन्होंने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया। अब सेकंडली जो हमारे ऑथर हैं, हमें अपने विलेज की, जो उनका विलेज है होशाली गांव, द विलेज ऑफ होशाली, उसकी स्पेशलिटीज बताना शुरू करते हैं एंड अपना गुस्सा दिखाते हैं किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। क्या कहते हैं वो दैट हमारा जो विलेज है ना होशाली, तुमने सुना होगा, फिर कहते हैं नहीं सुना होगा, क्यों, बिकॉज जो इंडिया का मैप है उस पर आपको कभी विशाली जो होशाली गांव है वो ब्लॉट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्यों, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इतनी केयरलेसली इंडिया मैप बनाया कि उसमें उन्होंने जो उस समय पे होशाली गांव था उसको ब्लॉट ही नहीं करा था। दूसरी बात, जितने इंडियन ज्योग्राफिस्ट थे उन्होंने कहा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि होशाली गांव को इंडिया के मैप पे डाला जाए, और फिर उन्होंने कहा जो कार्टोग्राफर्स होते हैं मैप बना दिया, जो उनकी गलती नहीं है, अगर उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया होता होशाली गांव को ब्लॉट करो तो उन्होंने कर दिया होता। तो फिर कहते इट्स पिटी फॉर देम ओनली, उनके लिए ही नुकसान की बात है, क्यों, क्योंकि होशाली गांव जो है हमारा भारतवर्ष का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं कि मेरा गांव ऐसा वैसा गांव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट गांव है ये मेरा इंडिया का, जैसे कि किसी मेले के अंदर एक स्वीट काम करती है, किसी फेस्टिवल के अंदर एक स्वीट, स्वीट का नाम भी लिखा है कारीगदाबू, जैसे स्वीट मेंशन करिए, आई डोंट नो कौन सी स्वीट होती है कारीगदाबू, तो मैंने सर्च करा गूगल पे एंड हियर इज द फोटो कारीगदाबू क्या होती है। तो उन्होंने कहा जैसे कोई फेस्टिवल कारीगदाबू स्वीट के बिना अधूरा होता है, वैसे ही इंडिया भी खुशहाली गाँव जब तक उसके मैप पे नहीं है तब तक अधूरा है। तो ऑथर जो है अपने विलेज की तारीफों के पुल बांधने में लग पड़ते हैं, तो वो बताते हैं हाईली अबाउट खुशहाली गाँव, कहते हैं हमारे यहाँ का एक लोकल डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडबता। वन मार्कर के लिए याद रखना कौन सा डॉक्टर गिवन था, वो कहते हैं उसने दुनिया में बहुत जगह घूमी है, दुनिया में बहुत जगह, फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं इंग्लैंड नहीं गया, इंडिया में ही उसने बहुत जगह घूमी है, और वो कहता है कि पूरे इंडिया का सबसे अच्छा विलेज कौन सा है, होशाली विलेज है। तो ये वन मार्कर के लिए याद रखना, गुंडबट ने क्या बोला था हमारे ऑथर को, डॉक्टर था वो उनके होशाली विलेज का, कि होशाली विलेज सबसे अच्छा विलेज है। जो उनका विलेज होशाली है वो फेमस है सावर मैंगोज के लिए, खट्टे आमों के लिए, वो कहते हैं हम खट्टे आमों की चटनी बनाते हैं, उस चटनी से हमारा गला खराब हो जाता है, हमें खांसी लगती है, अलग अलग बातें वो बताते हैं कि हमारा जो विलेज है बहुत सुंदर है, आम बहुत उगते हैं हमारे विलेज के अंदर। फिर वो बताते हैं दूसरी चीज जिसके लिए उनका विलेज जो है बहुत फेमस है, वो क्रीपर्स के लिए है, क्रीपर्स जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते होते हैं जिनके वह जो विलेज पॉन्ड के पास में उगते हैं और उस पर वो दोपहर में जो है खाना वो खा लेते हैं। आपने देखा है साउथ में जो है लोग प्लेट की जगह ना पत्तों के ऊपर खाना खाते हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो उनका होशाली गांव आमों के लिए, मैंगोज के लिए और क्रीपर्स के लिए फेमस है। तो दीज आर द वन मार्कर्स जो आपको याद रखने हैं। तो उनका विलेज जो है बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ बहुत अच्छे मैंगोज उगते हैं, क्रीपर्स हैं। वो फाइनली ये कहते हैं कि हमारे विलेज की जो ब्यूटी है उसको आप जो है समझ तब पाओगे जब आप हमारे विलेज को विजिट करोगे, जब हम हमारे यहाँ पर आओगे। तो कहते हैं अगर तुम्हें आना होगा, तुम्हें एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए तुम मुझे लाइन डाल सकते हो। तो लाइन डालने का मतलब ये कि व्हाट्सअप कर सकते हो, पहले ज़माने में व्हाट्सअप नहीं होता था, तार भेजी जाती थी। तो जो हमारे ऑथर है वो क्या कहते हैं, अगर आपको होशाली गांव की सुंदरता को देखना है तो यू कैन गिव मी अ लाइन, लाइन मतलब तार डाल सकते हो। तो अब फाइनली जो हमारे ऑथर है पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कि मैं आप लोगों के साथ 10 साल पहले की बात शेयर कर रहा हूं, उनके गांव में ही 10 साल पहले की बात वो शेयर करते हैं। क्या था 10 साल पहले, इंग्लिश इतनी ज्यादा
ज़्यादा जो थी फेमस नहीं थी, इंग्लिश ज़्यादा लोग नहीं बोलते थे। क्या ब्रिटिशर्स के ज़माने की बात है ये, देखो धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में सेटल हुए तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, स्कूलों में इंग्लिश लगा दी, और उस समय पर बहुत कम बच्चे थे जो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे, इंग्लिश बोलना इतना कॉमन नहीं था, एंड सेम वॉज इन नरेटर्स विलेज। तो वो कहते हैं हमारे होशाली गाँव में ज़्यादा लोग जो थे इंग्लिश स्पीक नहीं करते थे, ना ही इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे, बट बताते हैं जो हमारे विलेज का अकाउंटेंट था उसने सबसे पहले जो है आप एक स्टेप लिया, अपने जो लड़का था उसका रंगा, उसको जो है बैंगलोर भेजा पढ़ाई करने के लिए। नॉट मेनी पीपल न्यू इंग्लिश देन, क्या बताने उस जमाने में ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, दैट्स वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए जब रंगा इंग्लिश सीख कर बैंगलोर के कॉलेज से वापस आया तो जब वो घर आया उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया उनके विलेज में। क्या होता है देखो, रंगा गया, रंगा के पापा ने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया बैंगलोर में। अब हमारे यहाँ तो हर कोई जाता है, तो आप 12th पास आउट करते हो आप अपना होम टाउन छोड़ के चले जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में रहते हो, बट वहाँ उनके विलेज के लिए होशाली विलेज में वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। क्यों? क्योंकि रंगा ही था पहला लड़का पूरे विलेज का जो अपने विलेज से बाहर पढ़ने के लिए गया था, वो भी इंग्लिश एजुकेशन लेने के लिए। तो इसलिए उनके जो विलेज के जो लोग हैं उनके विलेज में पता क्या होता है, जिस दिन रंगा ने वापस आना होता है पूरा विलेज इकट्ठा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, एक लड़का घूम रहा होता है रंगा आ गया रंगा आ गया, और जो बड़ी बड़ी लेडीज़ होती थी बुड्ढी बुड्ढी आंटियाँ, हमारे ऑथर ने क्या बोला, ऐसे भीड़ जमा हो गई थी रंगा के आने पर जैसे कि ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। तो वो कहते इतनी भीड़ हो गई रंगा के घर वापसी आने पर, हमारे विलेज के हर एक इंसान को ये था कि हम रंगा को जाके देखें कहीं वो बदल तो नहीं गया, कहीं अपने उसने अपनी कास्ट तो नहीं बदल ली है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इंग्लिश सीख कर आएगा वो बाहर जाएगा तो उसे बाहर की हवा लग जाएगी, जैसे हम लोग कहते हैं ना हवा लग गई बहुत उड़ा है ये, तो ठीक है। तो इसी तरीके से उनके विलेज के लोगों को शौक होता है कि रंगा को जाके देखे कि वो उसमें कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो जिस दिन रंगा आता है भाग के सब लोग रंगा के घर के बाहर जाते हैं और झुंड इकट्ठा कर लेते हैं, रंगा को देखते हैं, एंड ऑथर भी उनमें से एक थे, वो भी जाते हैं रंगा को देखने कि उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया। बताते हैं दैट रंगा को देखने बहुत सारे लोग जाते हैं और उनमें से एक लेडी का वो बताते हैं, एक बुड्ढी सी आंटी होती है उनके विलेज की, वो जाती है रंगा के पास और रंगा का यूँ फेस टच करती है, रंगा की यूँ बॉडी टच करती है और बोलती है जनेऊ इज स्टिल देयर। जनेऊ जो होता है इंडियन ट्रेडिशन में, हमारे हिंदुइज्म में भी जो कई लड़कियां ऐसे व्हाइट कलर का जनेऊ होता है वो पहनते हैं, तो वो जनेऊ छू के टच करके बोलती हैं कि इसने अपनी कास्ट नहीं बदली आ रही है, तो जनेऊ इसने अभी भी पहना हुआ है। तो रंगा को हंसी आ जाती है कि ये लोग क्या समझ रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं 6 महीने के लिए बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अपना ट्रेडिशन अपनी वैल्यूज छोड़ दूंगा, मैं कोई ब्रिटिशर्स बन जाऊंगा, ऐसे लग रहा था वहाँ के लोगों को। तो ऑथर हमें बताते हैं कि विलेज का एक एक इंसान ने रंगा की आँख पैर कान हाथ सबको जब देख लिया कि भाई रंगा नहीं बदला है, जनेऊ पे पहना हुआ है बदला नहीं है रंगा, तो धीरे धीरे जो क्राउड था अपने घर चला गया। उन्हें बड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लग रहा है, कोई बंदर आया है, अलग सा चेंज हो गया, ऐसा उन्होंने मेला सरगा लिया था रंगा के घर के बाहर। बट जब रंगा ऐसे स्माइल करते हुए घर के बाहर आया, उसने सब कुछ सेम टू सेम था, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता है, सब विलेजर्स अपने अपने घर से जाते हैं। बट ऑथर कहते हैं मैं वहीं रहा, रंगा मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार करी, यानी कि नमस्ते करी। तो ऑथर कहते हैं मुझे भी फिर यकीन हुआ जाके कि रंगा अपनी वैल्यूज नहीं भूला। आपको पता है इंडिया में हमारा नमस्कार कितना ज़्यादा, आप कैसे हो, जैसे हम एल्डर्स को मिलते हैं तो हमें ग्रीट करना सबसे अच्छी बात है, तो वो यही कहते हैं। और वो सेकेंडली ये बताते कि रंगा ने मुझे अच्छे तरीके से झुक के जो है प्रणाम करी, ये नहीं जैसे आजकल के बच्चे ऐसे क्यों कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे नहीं करी, ना ही बस उसने हैंडफुल करी, अच्छे से झुक के उसने मुझे प्रणाम करी। तो उससे उनको समझ में आ गया कि रंगा अपनी जो वैल्यूज़ है बिल्कुल भी नहीं भूला है, फुल ऑन वैल्यूज़ अपनी रंगा को याद है। कहते अब तो वो कहते हैं कि रंगा ने मुझे बहुत अच्छे से झुक के मेरे दोनों पैरों को छूकर मुझे प्रणाम करा और मैंने उसे आशीर्वाद दिया मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारा जल्दी से शादी हो जाए। अब क्या होता है, यहाँ तक हमारा इतना सीन कंप्लीट हो चुका है कि रंगा को बहुत सारे विलेजेस देखने आए, उसमें कोई बदलाव था नहीं तो वो चले गए, और रंगा को बहुत अच्छे तरीके से हमारे नरेटर ने प्रणाम करा और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया क्या कि तुम्हारी शादी हो जाए। अब आगे क्या होता है, रंगा जो है दोपहर के वक्त, उसी दिन दोपहर को जिस दिन रंगा को सब लोग देखने आए थे, उस दिन दोपहर को जाता है हमारे नरेटर के घर पे, नरेटर के घर पे जाता है और नरेटर बताते हैं रंगा मेरे घर पे थोड़े से ऑरेंजेस लेकर आया होता है, जैसे हम लोग पड़ोसी वालों के यहाँ जाते हैं तो घर से कुछ सामान लेकर जाते हैं वैसे ही। वो कहते हैं इट वॉज वेरी कंसिडरेट फॉर हिम दैट वो आया है तो खाली हाथ नहीं है, अपने साथ ऑरेंजेस लेकर आया। तो अब रंगा और जो हमारे ऑथर है बैठ के गप्पे मारते हैं, तो वो कहते हैं हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है अबाउट मैरिज। जो हमारे ऑथर है वो रंगा को कहते हैं तुम भी शादी कर लो, तो रंगा कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी है, मेरा तो शादी पे कोई भरोसा नहीं है। तो ऑथर को समझ में नहीं आता कि रंगा ऐसा क्यों कह रहा है, ही इज यंग और वो शादी के लिए बिल्कुल ठीक उम्र है उसकी, तो वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो रंगा बताता है रिसेंटली उसके एक ऑफिसर थे, कोई उसके बॉस होंगे, उनकी शादी हुई होगी। तो वो कहते हैं, रंगा कहता है कि उस ऑफिसर की शादी, वो 30 ईयर्स का, उसकी 25 ईयर्स की लड़की से शादी हो गई है, वो मैच उनका ठीक है, बट मैं अगर मेरी शादी किसी यंग लड़की से करा दे, जैसे कि बहुत एज डिफरेंस हो अगर हमारे अंदर, किसी छोटी लड़की से अगर मेरी शादी करा दी जाए तो वो तो बच्ची होगी, मैं उसको प्यार से भी कोई बात बोलूँगा तो उसे लगेगा मैं गुस्से से बोल रहा हूँ। तो जो रंगा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, लड़की की एज ज़्यादा होती थी, लड़की की एज छोटी होती थी, 10-10, 15-15 साल के गैप में जो है शादी करा दी जाती थी। तो रंगा कहता है मुझे अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी नहीं करनी है। और क्या कहता है वो,
दैट रिसेंटली मैंने बैंगलोर में एक प्ले देखा था जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह दिखाया जा रहा था। तो आई डोंट थिंक सो कि राजा दुष्यंत ने भी शादी करी होती शकुंतला से अगर वो बहुत छोटी होती। तो यहाँ पर रंगा बताना चाह रहा है दैट उसे अपने से छोटी लड़की से शादी नहीं करनी है। फिर क्या कहता है वो कि मुझे तो अरेंज मैरिज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे कैसे मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जिसको मैं जानता ना हूँ, जिसको मैं समझता ना हूँ, मैं उसे प्यार से कुछ बात बोलूँगा तो उसे लेगा मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। तो ऑथर कहते हैं सब बातें बोल के क्या बोलते हैं, वन साइड बिटर गर्ड वन साइड नीम, मतलब कि तुम्हें तो दोनों ही नहीं चाहिए, एक तरफ तुम्हें नीम लग रहा है दूसरी तरफ तुम्हें करेला लग रहा है। और रंगा हंसने लगता है। बट सीरियसली ऑथर ना उसके ये व्यूज़ देख के परेशान हो जाते हैं कि ये लड़का शादी की उम्र का है, इसे शादी कर लेनी चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए, बट इसके विचार कैसे कि इसे तो बैचलर रहना है, इसे शादी नहीं करनी है। तो वो अपने मन में एक प्लान बना लेते कि अब तो मैं इस रंगा की शादी करवा के ही रहूँगा। तभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रंगाज मैरिज। तो जो हमारे नरेटर है वो निकल पड़ते हैं रंगा के लिए एक सूटेबल गर्ल ढूंढने के लिए। तो अब जो हमारे ऑथर हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि अब तो मैं रंगा की शादी करा के रहूँगा और सोचते हैं कि एक लड़की ढूंढता हूँ जिससे रंगा की शादी करा पाऊँ। और बताते हैं हमें कि अच्छा हाँ मुझे लड़की मिल गई, मैं रंगा की शादी कराऊंगा किससे, हमारे विलेज में एक आदमी रहता है रामा राव, उसकी जो नीस है वो उनके यहाँ पर आई हुई रहने के लिए, वो बाहर से आई हुई, उसे बहुत अच्छी वीणा बजानी आती है, उसे हारमोनियम बजाना भी जाता है, उसकी बहुत स्वीट सी वॉइस है। तो वो कहते हैं ये बढ़िया मैच है, मैं रंगा की शादी करा दूंगा उस लड़की के साथ। फिर बताते हैं अच्छा मैंने तुम्हें लड़की का तो नाम बताया नहीं है, लड़की का नाम क्या, रत्ना। तो ऑथर ने अपने दिमाग में पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है, वो बिल्कुल एक मैच मेकर बन गए हैं। क्या कहते हैं मैं जो है शादी करवा दूंगा किसकी, रंगा की और रत्ना की। अब वो एक ट्रिक सोचते कि भाई कराऊंगे ऐसे क्यों, बिकॉज रत्ना जो थी वो सिर्फ 11 ईयर्स की थी। और आपको पता है रंगा ने क्या कहा कि मैं तो छोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा, अपनी छोटी अपने से बहुत छोटी लड़की से रंगा को शादी नहीं करने की थी। तो हमारे ऑथर सोचते कि क्या प्लान बनाऊं जिससे जो है रंगा और रत्ना की मैं शादी करा दूं। तो ऑथर ने पूरा डिसाइड कर लिया कि वो रत्ना और रंगा की मैरिज करवा के देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अगले दिन रत्ना जिस घर में रह रही होती है, किसके घर में रह रही होती है, वो रामा राव के, तो वो रामा राव के घर में जाते हैं और उनकी वाइफ को बोलते हैं कि रत्ना को मेरे यहाँ भेज दो, मेरे यहाँ पे बहुत सारा बटर मिल्क बना हुआ है, रत्ना मेरे यहाँ से आकर बटर मिल्क लस्सी आके ले जाएगी। तो उसकी वाइफ जो है रामा राव की वाइफ कहती है ठीक है मैं भेज दूंगी। तो ऑथर बताते हैं फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे का दिन था, रत्ना मेरे घर पर आई और रत्ना ने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ऑथर हमें ये भी बताते हैं दैट वो रत्ना के साथ बहुत फ्रैंक थे क्योंकि वो रत्ना के घर जाते रहते थे, वो उनकी बेटी जैसी थी। तो वो कहते हैं और रत्ना आई, हमने थोड़ी देर बातें करी और फिर मैंने रत्ना से रिक्वेस्ट करी कि एक प्यारा सा गाना गा के सुनाओ। और रत्ना ने कौन सा गाना गाया था, कृष्णा मूर्ति, वन मार्क क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है। तो अब क्या है, ऑथर का घर है, रत्ना सामने बैठ के गाना गा रही है और ऑथर बड़े चालू थे, उन्होंने क्या करा अपने घर से किसी को भेज दिया रंगा को बुलाने के लिए। तो उन्होंने किसी को भेजा रंगा को बुलाने के लिए, यहाँ पे गा रही है रत्ना गाना और रंगा सडनली रंगा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो रंगा खड़ा है बाहर और रत्ना गाना गा रही है, तो रंगा क्या करता है डिस्टर्ब नहीं करता रत्ना को, वो इतना सुंदर गा रही होती है, तो वहीं थ्रेशोल्ड पे यानी कि दरवाजे पे खड़ा हो गया, रत्ना को देख रहा होता है। बट सडनली रत्ना के गाना गाते गाते नजर रंगा पे पड़ जाती है, वो घबरा जाती है स्ट्रेंजर। तो रत्ना जो है किसी स्ट्रेंजर को देख के गाना गाना सडनली बंद कर देती है। तो रंगा क्या कहता है, वो आपने मुझे बुलाया था, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये सब ना ऑथर की ट्रिक है, उन्होंने रत्ना से गाना गवाया और सडनली रंगा को बुला लिया जिसे वो उसे गाना गाते हुए देख लिया। और रत्ना बहुत सुंदर लड़की थी, वो चाहते थे कि रंगा को रत्ना से प्यार हो जाए बेसिकली, और ऐसा ही होता है। जो रंगा है वो बहुत ही मेस्मराइज हो जाता है रत्ना को देख के, ऑथर के घर के अंदर जाते हैं, सब इकट्ठे बैठ जाते हैं, रत्ना और जो ऑथर है तीनों बैठे हैं। और ऑथर यही तो चाहते थे कि रत्ना की प्यारी सी आवाज जो है रंगा देखे और जो है रत्ना को देखे और उससे प्यार हो जाए, और बेसिकली यही होता है। रंगा फर्स्ट मोमेंट पे फर्स्ट साइड वाला लव उसे रत्ना से हो चुका था। अब जब वो सब बैठे होते हैं तो रंगा कहता है मैं ना चलता हूँ, मेरी वजह से आपका गाना जो है वो स्टॉप हो गया, तो मैं जा रहा हूँ, बट जाता नहीं। ऑथर क्या बताते हैं कलयुग में लोग ऐसे होते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ और। रंगा ऐसे अपनी सीट पर बैठा हुआ हिल भी नहीं रहा, बट कह रहा है मैं जाता हूँ, मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बट जाता नहीं है। और ये सब बातें के देखकर जो रत्ना है शर्मा आके अपने घर के अंदर चली जाती है। तो अब रंगा पूछता है कौन है वो लड़की, तो ऑथर उसे कहते हैं तुम्हें क्या करना है, कोई भी लड़की हो, मेरी भी शादी हो चुकी है और तुम्हारे टाइप की तो वो है नहीं, तुम्हें तो छोटी लड़की से शादी करनी थी तो तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा था। तो ऑथर क्या बोलते हैं हाँ शायद एक साल पहले उसकी शादी हो गई है। और ये बात सुनते ही ऑथर ने बताया कि रंगा का जो मुंह है बिल्कुल उतर चुका था उसको जब ये पता चला कि रत्ना की शादी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है हमारी ऑथर वो बहुत चालू है, आप देख सकते हो इधर उसने ठान लिया कि रंगा की शादी करा के दूंगा, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया रंगा को कि रत्ना की शादी हो चुकी है, बिकॉज वो समझ चुके थे कि रंगा को ना इसको वाला लव हो चुका है हमारी रत्ना से। अब फाइनली क्या होता है, उन्होंने झूठ बोल दिया है रंगा को कि रत्ना की शादी हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं अगले दिन जाते हैं उनके विलेज के शास्त्री के पास, ऑथर विलेज के पंडित के पास जाते हैं और उसे जो है रत्ना और रंगा का जितना भी केस है और पूरा अपना प्लान बता देते हैं। वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद रंगा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और तुम्हें रंगा को शादी करने के लिए किसी ना किसी तरीके से मनवाना। अब क्या होता है, अब वो विलेज के शास्त्री को बताया है और रंगा के पास जाते हैं और उसे पूछते क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रंगा कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली उसके
सर में दर्द नहीं हो रहा होता है, बेसिकली उसे बुरा लग रहा होता है कि रत्ना की शादी हो चुकी है और उसे रत्ना से प्यार हो चुका होता है। तो हमारे ऑथर कहते हैं, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें ना विलेज के शास्त्री के पास लेके चलता हूँ, हो सकता है तुम्हारे गुरु और शनि जो है उसमें कुछ हो गया। जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शनि गुरु कहते हैं ना कि कोई प्लैनेट गलत आपके घर में बैठा होगा इसलिए तुम्हारा मूड खराब होगा, तो कहते हैं चलो मैं शास्त्री जी के पास तुम्हें लेके चलता हूँ, वो बताएंगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब रंगा विलेज के शास्त्री के पास जाता है एंड विलेज के शास्त्री जी जो हैं अपने वो जो पेपर्स वगैरह है वो दो निकालते हैं, कोडीज निकालते हैं और ऐसे अपने हाथों पे कैलकुलेशन करते हैं और कहते हैं रंगा तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो इसलिए तुम परेशान हो। फिर कहते हैं वो कहते हैं कि जो ये रंगा है ये किसी लड़की की वजह से परेशान है। तो हमारे ऑथर जो है, अब ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम है श्यामा, वो हमें बता चुके चैप्टर के बीच में उनको श्याम, वैसे ऑथर का नाम आपको बुक में कुछ और लिखा गया होगा बट उनको प्यार से श्यामा बुलाया जाता होगा। तो ऑथर कहते हैं दैट जो हमारा शास्त्री जी जो है ना वो बताते हैं कि किसी लड़की की वजह से जो है रंगा परेशान है। तो वो कहते हैं अच्छा क्या नाम है लड़की का, तो शास्त्री जी ऐसे कैलकुलेट करके उंगलियों में बताते हैं समथिंग रिलेटेड टू द ओशन, कुछ सी से वाटर बॉडी से किसी से रिलेटेड है लड़की का नाम। तो हमारे ऑथर ना गेस करने लगते हैं, श्यामा जी जो है गेस करने लगते, कहते हैं हो सकता है कमला हो, कमला क्या होता है कमल का फूल वाटर बॉडी में उगता है। फिर शास्त्री जी कहते हैं नहीं नहीं कमला नहीं है। फिर वो कहते हैं हो सकता है पक्षी हो, पक्षी क्या होती है मॉस जो सी के अंदर उगती है, तो शास्त्री जी कहते हैं नहीं। फिर जो हमारे ऑथर कहते हैं रत्ना, कुट इट बी रत्ना, रतन क्या होते हैं पर्ल्स जो हमारे ओशन के बेड में से निकलते हैं, तो शास्त्री जी कहते हैं हाँ हाँ रत्ना है। तो अब ऑथर कहते हैं रत्ना, रत्ना तो रामा राव की बेटी है जो वहाँ रहती है उनके यहाँ पे, और शास्त्री जी से पूछते हैं कि रत्ना और रंगा क्या इनका कुछ मैच हो सकता है, तो शास्त्री जी कहते हैं हाँ हाँ इनकी शादी हो सकती है। बट फिर क्या कहते हैं हमारे ऑथर, बट इस बात का करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज रत्ना इज ऑलरेडी मैरिड, और दोनों वहाँ से उठ के वापस निकल पड़ते हैं। उन्होंने अपनी बस लास्ट रिकॉज मानी है, वो क्या करते हैं अब वो और रंगा जो है, रंगा का मूड बहुत परेशान है, उसे पता है कि रत्ना से उसकी शादी नहीं हो सकती, वो शादीशुदा है, तो इसलिए रंगा और जो हमारे ऑथर हैं श्यामा जी जो हैं, ऑथर ने अपना नाम बीच में डिस्क्लोज कर दिया था कि मेरा नाम श्यामा है, तो हमारे ऑथर उनको प्यार से श्यामा बोला जाता है। तो कहते हैं मैं और रंगा जो है चल के जा रहे होते हैं और सडनली किसका घर आ जाता है, रंगा बड़ा सैड था कि भाई मेरी शादी तो हो नहीं सकती, उसे किसका घर आता है रामा राव का घर आता है और बाहर रत्ना खड़ी होती है। और क्या करते हैं जो ऑथर है अपनी लास्ट ट्रिक आजमाते हैं, क्या करते हैं रंगा वहीं पर खड़ा होता है और ऑथर कहते हैं एक सेकंड में अभी आता हूँ, और रामा राव के घर के अंदर जाते हैं, कहते हैं मैं बस उसके घर के अंदर गया और दो मिनट बाद वापस आ गया बिना किसी से बात करे, और बाहर आके रंगा को बताते हैं दैट रत्ना इज नॉट मैरिड, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था रत्ना मैरिड नहीं है, ये बात रंगा को बताती है, रंगा के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। तो ऑथर पूछते हैं भगवान की कसम खा के बताओ सच्ची में तुम रत्ना से प्यार करते हो, सच्ची में जो शास्त्री जी ने बोला है कि तुम रत्ना से शादी करना चाहते हो वो सच बात है? तो रंगा कहता है यस मैं सही कह रहा था। तो आप यहाँ समझ सकते हो वही रंगा जिसने थोड़े समय पहले जो हमारे ऑथर है उनको क्या बोला कि मुझे छोटी लड़की से शादी नहीं करेगा, आज उसने खुद कन्फेस कर दिया हमारे ऑथर को कि वो रत्ना से प्यार करता है। अब यहाँ पे रंगा ने एडमिट कर लिया हमारे ऑथर के सामने दैट यस वो रत्ना से शादी करना चाहते हैं। अब उस दिन शाम को क्या होता है, अब हमारे ऑथर का प्लान सक्सेसफुल हो गया, रत्ना इज नॉट मैरिड और जो रंगा है वो उसे शादी करना चाहता है। अब जब ऑथर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है श्यामा जी का, तो वो जाते हैं किसके घर पे, वो शाम को जाते हैं उसी शास्त्री के घर पे, और वो शाम को जाते हैं शास्त्री जी के घर पे और उनको जाके बोलते हैं वाओ शास्त्री जी तुम तो बड़े अच्छे एक्टर निकले, जो तो मैंने आपको बताया आपने तो रंगा को बिना कोई डाउट हुए सब कुछ आपने बिल्कुल अच्छे से एक्टिंग करी, व्हाट अ ग्रेट शास्त्र। तो इस समय पे जो हमारे ऑथर है उन्होंने शास्त्री जी के शास्त्रों के ऊपर थोड़ा सा टोंट मारा कि जो जो मैंने आपको बताया आपने तो वही वही बोल दिया, बट शास्त्री जी क्या कहते हैं नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने सच्ची में कैलकुलेशन करी थी, सच्ची में रंगा जो था वो जो था रत्ना के बारे में सोच रहा था, मेरी कैलकुलेशन सही थी, मैंने तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करा। और यहाँ शास्त्री जी पूछते हैं हमारे ऑथर से क्या बात है, व्हाट द डिसेंट मैन सेज, वो पूछते हैं रंगा के क्या विचार हैं, वो करना चाहता है रत्ना से शादी। तो हमारे जो ऑथर बता देते हैं शास्त्री जी को भी दैट यस रंगा जो है रत्ना से मैरिज करना चाहता है। अब फाइनली हम चैप्टर के एंड पे आ गए, अब यहाँ पे हमें जो है ऑथर बताते हैं अब फिर से रंगा मुझसे मिलने को आता है, किस लिए रंगा जो हमारे ऑथर है उनसे मिलने आता है, अपने 3 साल के बच्चे का जो बर्थडे है उसका इन्विटेशन कार्ड देने। तो अब यहाँ पे ऑथर ने जैसे साल लोगों के सीरियल में 10 साल बाद गैप 3 साल बाद का गैप दिखाते हैं, वैसे ही ऑथर ने बिना कुछ बताए गैप डाल दिया और ये कहा कि अब रंगा फिर से मुझसे मिलने आया है, जो है इन्विटेशन कार्ड इन्विटेशन देने आया होता है ऑथर को डिनर के लिए, किसके अपने बेटे श्यामा के 3 साल के बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो दैट रत्ना एंड रंगा आर हैप्पीली मैरिड, उनका एक बेटा भी हो चुका है, वो 3 साल का हो गया, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है श्यामा। और जब जब रंगप्पा जो है अपनी इन्विटेशन देने आया होता है ऑथर को, वो उससे काफ़ी और बातें करते हैं, उससे पूछते हैं दैट तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, यानी कि रत्ना उस समय प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ्स वो प्रेग्नेंट थी, वो पूछते हैं कि अब तुम पार्टी करो घर में खाना कौन बनाएगा कौन हेल्प करेगा, रत्ना तो रेस्ट करी होगी, तो बताते हैं मेरी बहन आई हुई है वो मम्मी की हेल्प करेगी, हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं श्यामा की आप ज़रूर आना। अब ऑथर बताते हैं मैं श्यामा की बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ श्यामा आके मुझे हक करता है, मैं उसे अपनी गोद में लेता हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया, अब आपको ये समझ में आ गया पूरा का पूरा दैट ऑथर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि रत्ना और रंगा की शादी करवाऊंगा, शादी हो भी जाती है, रत्ना और रंगा का पहला बेटा जो होता है वो उन्हें ऑथर के नाम, जो ऑथर का पेट नेम था श्यामा, उसी के नाम पे रखते हैं एंड फाइनली बोथ आर हैप्पीली मैरिड कपल। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है फुल ऑफ सरप्राइजेस थी। नाउ दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।